बसमिलीम स्टूडेंट्स uh, जैसा कि चैप्टर नंबर ट्वेंटी फोर एवोल्यूशन चल रहा है जिसमें हमने गुजशा लेक्चर्स के अंदर ये देखा कि किस तरह से लिविंग इवोल्व होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली नई स्पीशीज की एवोल्यूशन में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें मोलिकुलर मोलिकुलर जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है उसके अलावा जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और सेपरेशन होती हैं और आज के लेक्चर्स में हम आ, कुछ नई टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे जिसमें नंबर फर्स्ट पे हम देखेंगे जिसमें हम पॉपुलेशन द डेफिनेशन ऑफ जीन पूल अलील एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी वगैरह को डिस्कस करेंगे तो बहरहाल जो पापुलेशन है पॉपुलेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सेम स्पीशीज के लिविंग ऑर्गेनिजम का किसी खास एक एरिया के ऊपर लोकेलाइज होना पॉपुलेशन के इलाका है uh, मिसाल के तौर पे किसी पौंड के अंदर किसी तालाब में uh, फ्रो की अगर हम एक स्पीशी की बात करें तो एक पौंड के अंदर एक ही फ्रोकी की स्पेशी की जो लिविंग जो जो तादाद होगी जो वहां पे रहेंगे वो पॉपुलेशन के लाएगी इसी तरह अगर वहां पे कोई और इंसेक्ट हो है या कोई दूसरी स्पीशी है तो उसी इंसेक्ट का या किसी दूसरे जानदार की जो टोटल तादाद उस पौंड के अंदर होगी तो वो पॉपुलेशन के लाएगी तो हम क्योंकि मैंने पोर्ड की एग्जाम्पल दी है तो लोकेलाइज ग्रुप को ही पॉपुलेशन कहा जाता है लेकिन इस पॉपुलेशन में ये कंडीशन है कि वो सेम स्पीशी से बिलोंग करती वो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लेकिन अगर अगर हम स्पीशी को डिफाइन करें तो स्पीशी का तो आप नाइन्थ क्लास से भी आप लोगों को इसका बखूबी पता है कि स्पीशी जो है ये एक ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप होता है विच द एबिलिटी टू इंटरब्रीड एम सेल्व

Uh, multiple numbers of different kinds of population either it is in plants or either it's from different animal species which includes the different kinds of animals uh, it also have the population of different kinds of insects in its community level further uh, the species are. स्पीशीज uh, जो है ये uh, जिसमें एक ही किस्म के इंडिविजुअल्स होते हैं तो इट आल्सो हैज ए जोग्राफिकल रेंज इन विच द लिविंग ऑर्गेनिजम लाइफ एंड देट ज्योग्राफिकल रेंज लिविंग ऑर्गेनिजम फॉर डेट स्पीशीज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड के उस खास एरिए के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम की जो स्पीशीज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं लेकिन वो देर आर सम टेंडेंसी के वो कुछ अपने सेंट्रल स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेटेड होंगी मतलब उनकी तादाद ज्यादा होगी अपने जो है सेंट्रल रीजन के अंदर लेकिन जो एक पॉपुलेशन है एक ही स्पीशी की इट इज आल्सो पॉसिबल कि कम्युनिटी के अंदर जो एक पॉपुलेशन है वो अपनी ही स्पीशी की दूसरी पॉपुलेशन से आइसोलेटेड हो

एक ही जगह वाली एक को पॉपुलेशन कहा जाता है लेकिन जो दूसरी पॉपुलेशन है सेम स्पीशी की वो दूसरी पॉपुलेशन काफ़ी डिस्टेंस पे होगी इसकी अगर आप एक जनरल बहुत ही आसान सी एग्जाम्पल लें तो आप ये कह लें कि जो एलिफेंट्स हैं जो इंडिया में एलिफेंट्स रहते हैं तो इंडिया के जो फॉरेस्ट में एलिफेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं एज कम्पेयर टू जो एलिफेंट्स श्रीलंका में हैं तो so श्रीलंका में जो नेचुरल एलिफेंट्स है तो देखिए काफी डिस्टेंस गैप है बीच में समुद्री गैप है लेकिन एलिफेंट की वही स्पेशी श्रीलंका में है इंडिया में है और माइड भी उनकी इन्हीं की कोई स्पेशी किसी साउथ अफ्रीका में हो तो बराबर एक काफी डिस्टेंस है तीनों जो है लैंड के दरमियान तो इसी तरह से ये जो पॉपुलेशन है ये कम्युनिटी वाइज डिफरेंट होती है और इनके बीच में बैरियर्स होते हैं और इन बैरियर्स की वजह से जो पॉपुलेशन है इनके अंदर कुछ टेंडेंसी होती है कि ये आपस में ही इंटरब्रीडिंग करके इनके अंदर कुछ वेरिएशन आ जाती हैं और इन ही वेरिएशन की बुनियाद पर ग्रेजुअली एवोल्यूशन जो है वो लेड ऑन होती है अच्छा इस तरह का जो आइसोलेशन पैटर्न है ये आ, खास तौर पे ये बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्व किया जाता है जो कुछ आइलैंड्स हैं कुछ समुद्रों में जो जजीरे होते हैं डॉर्वन की एग्जाम्पल में जैसा हमने वहां पे स्टडी किया था गैलापैगोज आइलैंड थे थर्टीन तेरह किस्म के जो जजीरे थे वहां पे जो फिंचज की हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि थर्टीन टाइप्स की फिंचज थी और हर फिंच अपने आईलैंड की स्पेसिफिसिटी के लिहाज से डिफरेंट और वो एक दूसरे से वो आइसोलेटेड थी और इसी तरह कुछ लो लैंड होते हैं कुछ अप लैंड होते हैं अगर हम हिल स्टेशन की बात करें तो वहां पर भी जो बर्ड्स हैं या जो दूसरी जो वर्टी जोटीब्रेड की जो हैं हैं वो भी एक दूसरे से डिफरेंट होती तो पॉपुलेशन में हमेशा जो डिस्ट्रीब्यूशन है फिर ऐसी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिस्ट्रीब्यूशन लोकलाइज नहीं होती कहीं पर वो सेंट्रली कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं कहीं पर वो पेरिफोरल एरियाज में कंसनट्रेटेड होते हैं वो, जो किसी भी में होते हैं, other, के वो उनकी आपस में ज्यादा है वो आपस में एक दूसरे से ज्यादा मिलते जुलते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो पैरिफिडल uh, रीजन भी होते हैं वो सेंट्रल की नस्बत जरा होते हैं उनकी फिजिकल मॉर्फोलॉजी सेंट्रल लिविंग ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी के साथ ज्यादा सिमिलर नहीं होती अभी इसी कंसेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे अगर हम पॉपुलेशन uh, के कंसेप्ट को समझने के बाद अगर हम बात करें किसी भी एक खास करेक्टर की तो उस खास करेक्टर के लिए हमें पता है जेनेटिकली उसके सेल्स के अंदर जो डीएनए लेवल के ऊपर हम जीन्स की बात करेंगे तो जीन्स में आपको पता है हमेशा हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जीन्स हैं ये अलिलिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो ये जो अलीलिक फॉर्म है तो अलील हमेशा आपको पता है कि मिनिमम भी दो अलील्स होंगे किसी खास एक पोजिशन जीन की किसी एक खास पोजिशन के लिए तो एक पॉपुलेशन के अंदर किसी खास करेक्टर के लिए जो टोटल जीन्स होंगे या टोटल अलील होंगे किसी एक खास करेक्टर के लिए तो उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाएगा तो जीन पूल का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से

तो एक करैक्टर है अगर हम आई कलर की बात करें आंख आंख का रंग तो आई कलर में अगर हम कहते हैं कोई सा भी कलर हो ब्राउन है वाइट है या पर्पल है व्हाट एवर दो जीन्स उसको कंट्रोल करते हैं 100 इंडिविजुअल हैं तो 200 अलील होंगे तो 200 अलील जो एक ही वक्त में उस पॉपुलेशन में पाए जाते हैं ये तो 200 अलील हैं ये उस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाएंगे इसी तरह उस पॉपुलेशन में आपको पता है कि हंड्रेड ऑफ मयरेबल करेक्टर्स हैं तो उन मयरेबल करेक्टर्स में जो हंड्रेड ऑफ हंड ऑफ मयरेबल करेक्टर्स हैं तो हर करेक्टर अपना एक खास जीन पूल रखता है तो कोई ऐसे जीन्स हों जिनमें अलील्स दो से ज्यादा हों तीन अलील्स हो सकते हैं चार हो सकते हैं पांच एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है अगर चार अलील्स हैं तो वो चार सौ अलील्स के लाएंगे सो so इंडिविजुअल्स के हवाले से तो उन चार में से बहरहाल किसी एक वक्त में एक इंडिविजुअल में दो ही अलील्स पाए जाएंगे तो उन चार्स में से दे देखना होगा कि एक वक्त में कितने अलील्स पाए जाते हैं तो वो टोटल टो, जीन टो, टो, पूल कहलाएगा उस पॉपुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब आप जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं तो वहां पे समाइम्स uh,

किसी भी पॉपुलेशन में तमाम मेंबर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी भी पॉपुलेशन में अगर वो इस किसी खास अलील के लिहाज से होमोजाइगस है तो ऐसे अलील सेट को हम फिक्स कहेंगे यानी कि उस पर्टिकुलर जीन पुल के अंदर हम उसे कभी कभार ऐसा भी होता है को कोई एक अलील या दो से ज्यादा अलील वो आ, उनकी तादाद वेरिएबल होती है कि मसलन वाइट आई की अगर हम बात करें या रेड आई किसी भी अगर हम फ्लाई मक्खी की बात करें उसके ड्रैगन फ्लाई की बात करें कोई भी एक वाइट आई की तादाद ज्यादा है रेड आई की तादाद कम है तो ये एक तादाद कम ज्यादा होना इसे हम कहते हैं रेलिटिव फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि कॉमन सा वर्ड है फ्रिक्वेंसी तादाद के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है तो रिलेटिव रेफरेंस या कंपैरिजन की बात की जाए जहाँ पर तो कंपैरेटिवली जिसमें किसी एक सेट की तादाद ज्यादा हो और दूसरे सेट की तादाद कम हो तो इसे हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी या रिलेटिव प्रोपोर्शन वेरिएबल हो सकती है किसी भी जीन पूल के अंदर तो मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं वाइल्ड uh, फ्लावर की एक जंगली पौधा है फॉर एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है किसी तो में हम कहते हैं कि उसके दो कंट्रास्टिंग करते हैं हैं के से। तो एक हम पिंक कलर का कह देते हैं, और पिंक कलर को हम एग्जाम्पल कर लेते हैं कैपिटल ए से और हम कहते हैं डेट इज ए वेरी कम्प्लीटली डोमिनेट द वाइट आई फ्लावर के सफेद कलर के फूल पे ये मुकम्मल डोमिनेट है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे a yeah, pink, capital A, and white flower, small a, where we are also saying that capital A that is completely dominant over small a, and small a represent the white flower. So let's uh, move further in example. So suppose these are only two alleles uh, for this locus in population. Uh, and we imagine that our population size is about only 500 plants and about 20 which uh, are 20 plants have only white flowers kese 20 पौधे ऐसे हैं जिसमें सफेद फूल है और सफेद फूलों का मतलब है कि ये होमोजाइगस है और दोनों में स्मॉल ए स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है हम कहते हैं क्योंकि ये होमोजाइगस है सो लेट्स सी हियर इट इज अ स्मॉल ए द कॉम्बिनेशन इज हियर एंड आफ्टर डिस्कसिंग द 20 वी हैव 480 plants with pink flowers and 480 plants of pink flower and out of these 480 plants of pink flower we have 320 homozygous aa out of 480 320 homozygous aa and we uh, have 160 heterozygous heterozygous capital a and small a but all these two combinations are pink flower as we already have explained that a is dominant over smalling and all these are diploid organism and there are total of 100 copies of gene for flower color in the in this population as we have 500 plants and each plants have each plant have two allele for that particular flower color so we can say that 500 plants have total of 1000 copies फ्लावर कलर as uh, क्योंकि आपको पता है कि एक हर एक पौधे में दो अलील है तो 500 को सिंपल आप दो से मल्टीप्लाई करें तो थाउजेंड बनेगा हजार तो इसके अंदर टोटल जीन पूल जो है इस फ्लावर कलर का वो हजार होगा तो इसमें अगर हम डोमिनेंट अलील को काउंट करें तो डोमिनेंट अलील इसके अंदर 800 सौ अलील मौजूद है तो अगर हम इसको फॉर्मूला लगाए तो आठ सौ अलील डोमिनेंट है और 200 अलील इसके अंदर रिसेसिव है तो लिहाजा इसकी हम एक रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं कि नीचे कैलकुलेशन मैंने आपके सामने पेश की है तो इस कैलकुलेशन में आप देख सकते हैं कि जो हेटरोजाइगस है ये पॉइंट थ्री टू परसेंट निकलेगा और जो होमोजाइगस रिसेसिव पॉइंट जीरो फोर परसेंट निकलेगा और होमोजाइगस डोमिनेंट पॉइंट सिक्स फोर परसेंट निकलेगा तो ये जो कैलकुलेशंस है ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट करती है कि कौन सा अलील अपने बिहेवियर uh, के लिहाज से इसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है तो दिस दिस इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी जीन ऑफ ऑफ एनी अलील इन ए गिवन जीन पूल तो किसी भी पॉपुलेशन में आप किसी भी ट्रेट और किसी भी कैरेक्टर को जेनेटिक लेवल पर उसके आप लोकस की बेस पे उसकी फ्रीक्वेंसी को आप एस्टीमेट कर सकते हो So, uh, यहाँ पे अब हम डिस्कस करेंगे वो कौन से ऐसे फैक्टर्स है, है, है तो यहाँ पे एक टेबल है इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो अगर आपको एग्जाम में इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने डिटेल में इसको डिस्कस करना है अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो बहाल उसके लिए आप यहाँ पे जस्ट उसके फैक्टर्स ही डिस्कस कर सकते हैं जैसा कि ये है पांच फैक्टर हैं पांच नंबर फर्स्ट पे है म्यूटेशन सेकंड पे है माइग्रेशन नंबर थर्ड पे है जेनेटिक ड्रिप नंबर फोर्थ पे है नॉन रैंडम रैंडम नॉन ए पॉपुलेशन साइज पर है selection.

ये जो म्यूटेशन है इतनी शादो नादर होती हैं कि इससे फ्रीक्वेंसी जो है इतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होती दूसरी तरफ अगर हम बात करें माइग्रेशन की तो माइग्रेशन इज वेरी मोटेंट सोर्स फॉर म्यूटेशन एंड इन दिजिन ऑफ स्पीशीज माइग्रेशन जो है ये लोकली जो है ये एवोल्यूशनरी चेंजेस को होने से रोकती है लेकिन अगर बहुत बहुत ज्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाए तो एक पॉपुलेशन से एक जीन सेट मूव कर जाता है और ये एक बहुत बड़ा डिस्टरबेंस पैदा करता है जीन पूल के अंदर और इसी तरह हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें जेनेटिक ड्रिफ्ट एक्चुअली ये माइग्रेशन ही होती है कि इसकी वजह से एक फ्रीक्वेंसी में जो है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं और अली फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है और वक्त गुजरने के साथ साथ और इससे क्या होता है कि एक नई स्पीशीज की शक्ल में वही लिविंग ऑर्गेनिज्म सेपरेट ट्रेड के साथ सामने आते हैं और जेनेटिक ड्रिफ्ट में यह भी होता है कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करें तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो भी लिविंग उस जेनेटिक पॉपुलेशन से वो जीन, जीन का एक्सेट है वो डेप्लीट हो जाता है वो खत्म हो जाता है उसके बाद हम बात करेंगे नॉन रैंडम मेटिंग नॉन रैंडम मेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है रैंडम मीटिंग अगर होती रहे रैंडम मीटिंग अगर होती रहे, तो उससे जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती अगर स्पेसिफिक मीटिंग हो, एक खास एरिया के अंदर उस पॉपुलेशन में वही लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरब्रीड करते रहे तो वो वहां पे कुछ यूनिकनेस ले आती हैं वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं उस पॉपुलेशन में और वक्त गुजरने के साथ साथ वो एक खास स्पीशी की और अलग से सब स्पीशी का लेवल अडॉप्ट कर लेते हैं तो इस तरह की जो नॉन रैंडम मेटिंग है इससे फ्रीक्वेंसीज डिस्टर्ब होती हैं और ये हार्डे वेनबर्ग प्रिंसिपल में भी हार्डे वेनबर्ग थ्योरम में नंबर वन पे इसको कंसीडर किया जाता है और ये हार्डे वेनबर्ग थ्योरम के अंदर इसकी बड़ी अहमियत है कि किस तरह से नई स्पीशीज ओरिजिन में आती है तो बात करेंगे सिलेक्शन की और ये लास्ट है इसके बाद हमारा लेक्चर भी क्लोज हो जाएगा तो बहाल ज्यादा बात नहीं हम करेंगे इस लेक्चर के तो सम इंडिविजुअल जो है वो अपने पीछे ज्यादा बच्चे छोड़ जाते हैं कुछ जानकार ऐसे हैं वो ज्यादा बच्चे देते हैं और जबकि बनसबत कुछ ऐसे हैं जो कि कोई भी बच्चा नहीं होता उनका तो इसकी वजह से जो करेक्टर्स हैं वो इनहेरिटेंसी डिस्टर्ब होती है ये सिलेक्शन होती है सिलेक्शन आर्टिफिशियल भी की जा सकती है और नेचुरल भी की जा सकती है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में तो जो ब्रीडर्स हैं वो अपनी मर्जी से जो डिजायर करेक्टर्स होते हैं वो डिजायर सिलेक्टेड प्लांट्स और और लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेल्फ ब्रीड करवाते हैं उनको सेल्फ ब्रीड करवा के वो भी अपनी मर्जी के करेक्टर्स को चूज करती हैं और एट द एंड वक्त गुजरने के साथ वो एक नई स्पीशी का दर्जा रखती हैं लेकिन नेचुरल सिलेक्शन में ये ये रोल जो है ये इनवायरमेंट प्ले करता है कि किसी सेट कुछ खास जीन्स को सिलेक्ट करता है और वो वक्त नए का वजूद ले आती हैं तो अगर किसी स्टूडेंट को रिलेटेड तो वो इन बॉक्स में ड्रॉप बॉक्स में ड्रॉप कर सकता है तो बहरहाल आज के लिए इतना ही काफी है तो मुझे इजाजत दें इन परसों नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी अल्लाह तक हामी खुद